फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोनू वेलकम करती हूँ आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों को मेरे बालकनी पे लगे हुए सभी फ्लावर्स दिखाने जा रही हूँ। तो सबके फर्स्ट में आप सब देखिए, ये मेरे सदाबहार अच्छे से खिले हुए हैं। और मेरे पास ये पिंक कलर में और रेड कलर में भी है, पर मैंने उसे बाहर पे रखा हुआ है और मैंने ये बकेट पे लगाया हुआ है। फिर भी कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और इधर में ये मैंने पॉट पे लगाया है, ये भी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं और खिल भी रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, ये छोटा सा पॉट है, फिर भी कितने अच्छे से हेल्दी हो के अच्छे से खिल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मेरे नेक्स्ट प्लांट, ये भी ग्रो हो रहे अच्छे से। और इसी का कटिंग मैंने दूसरे पॉट पे भी लगाया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये छोटा सा, ये भी ग्रो हो रहे अच्छे से तरह से। और यहाँ पे मेरे बालछम रेड कलर में देखिए, ये भी खिले हुए हैं और बहुत सुंदर लगता है बालछम दिखने में। और मेरे पास दूसरे भी है। और यहाँ पे है मेरे लकी बैम्बो, इससे मैंने पानी पे ग्रो किया हुआ है। और ये वंडरिंग जीव, ये ब्राइट देखिए कितना शाइनिंग कर रहा है, बहुत अच्छा वैरायटी का है ये। और मेरे पास दूसरा भी है, पर वो इतना अच्छा नहीं है, पर ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर में बेबी टियर, एक से ही मैंने ढेर सारे बेबी टियर लगाया हुआ है। कितने अच्छे से ग्रो होते हैं और जल्दी ग्रो होते हैं, इसे लगाने में कोई दिक्कत भी नहीं होता है और दिखने में भी कितना सुंदर लगता है। और मेरे पास ढेर सारे बेबी टियर है। और आप सब भी लगाना अच्छे लगे तो इसे ग्रो करने के लिए कोई वो भी नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए मेरा ब्लीडिंग हार्ट, ये भी अच्छे से खिले हुए है। और ढेर सारे प्लांट मेरे पास है यहाँ पे ग्रीन कलर में, इसका नाम मुझे पता नहीं है। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बता देना। मुझे इतने सारे फ्लावर्स के नाम तो पता नहीं है, पर मुझे अच्छा लगता है और मैं लगाती हूँ। इसका नाम है डेफिन बेकिया। और ये कितने कलरिंग लिप्स होते हैं इसका, बहुत अच्छा लगता है दिखने में, सुंदर लगता है। और मैंने इसे लगाया है नर्सरी से ला के एक दो महीने पहले। और यहाँ पे भी पर्पल, देखिए पर्पल कलर में कितने छोटे छोटे फ्लावर्स खिले हैं और दिखने में भी सुंदर लगते हैं। और इसके लीव्स भी अच्छा लगता है दिखने में। और ये ग्रीन कलर में, इसका नाम भी मुझे पता नहीं है, पर मुझे अच्छा लगा और मैंने नर्सरी से लेके आई थी। और अभी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं हेल्दी। और यहाँ पे देखिए ये रेड कलर में भी थोड़ा थोड़ा ग्रीन कलर में है, पर दिखने में अच्छा लगा और मैंने लाई। और यहाँ से शूट भी निकल के आ रहा है ये। तो यहाँ पे डेफिन भी किया है, ये भी ग्रीन कलर का, इसका लिप्स पता नहीं किसने तोड़ दिया, शायद बच्चों ने होगा। और ये भी ग्रो हो रहे हैं अच्छी तरह से मेरे बालकनी पे लगे। ये टोरेनिया देखिए कब से खिले हुए मेरे पास, ढेर सारे बाहर पे, और एक का मैंने अंडर पे लगा है, फिर भी लग गया है अच्छी तरह से। और यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का लगाया हुआ है प्लांट, ये भी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और ये देखिए वाइट कलर में थोड़ा सा और ग्रीन कलर में, ये भी मुझे अच्छा लगा तो मैंने नर्सरी से लाई थी। और यहाँ देख सकते हो आप लोग केलांचू, अभी विंटर में केलांचू अच्छे से खिलता है और मेरे भी केलांचू खिलने वाले है। ये भी मैंने अपने बालकनी पे रखा है। और ये है मेरा रबर प्लांट, रबर प्लांट भी अच्छे से बड़े हो रहे। और यहाँ पे देखिए येलो कलर में ये क्लाइंबर्स होता है ये फ्लावर्स, और मैंने भी एक सा हट बनाया है और इसी पे मैंने इसे लगाया है और खिला भी है अच्छे से। और यहाँ पे मैंने तीन अलग अलग वैरायटी के लगाए, अपराजिता और ये येलो कलर का कौन सा फ्लावर है वो मुझे पता नहीं है। और देखिए फिर भी ये कितने अच्छे से खिले हुए हैं। और इधर के साइड में देखिए, यहाँ मैंने टिकोमा लगाया था पर इसी ने सभी को जगह कवर कर दिया। और ये मेरा छोटा सा पौधा, ये मैंने ऑनलाइन करके मंगवाया था। और देखिए फ्रेंड्स, मेरे सभी बालकनी पे लगे हुए फ्लावर्स ऐसे लगते हैं दिखने में। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है फ्लावर्स, इन्हें देख के बहुत सुकून होता है। जब सुबह होता है मैं देखती हूँ और शाम को भी, इन्हें छुए बगैर मेरा दिन अच्छे से जाता भी नहीं है। ये ग्रास
आर्टिफिशियल मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, बहुत अच्छा लगा मुझे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए बाय।